मुहर्रम का चांद रात मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, और जो कुछ भी होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा आज फेस की तरह काफ़ी ज़्यादा नींद की वजह से आज ऐसा लग रहा है, ठीक है, जैसी नींद पूरी हो जाएगी ना तो फ्रेश महसूस करूँगी इंशाल्लाह। देखिए घर में लुबान लगाए हैं, इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है, और आज मुहर्रम का फर्स्ट डे है, चांद रात है, आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। सकते हो मैं पानी में मतलब बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पानी बहुत भर गया है। अब मेरी बहन पानी में से होके जाएगी, छी, ठीक है कोई बात नहीं, शी, ये तो कम है, रात में बहुत लोगों का नुकसान भी हो गया। ओ माय गॉड, देख सकते हो बारिश तो कम हो गई, मतलब कम नहीं, सुबह से रात से बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कितने लोगों के घर में भी पानी आ गया है, अल्लाह हिफाजत करे उन लोगों की। और ये देख सकते हो पानी कितना भर गया है, जोरों की बारिश भी आ रही है। गॉड, मेरा मोबाइल, यदि मेरा मोबाइल। फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने मैदान में, यहाँ पे भी रात में पूरा पानी भर चुका था, और यहाँ के ये जो घर में रहते सब लोगों को खाली कर दिया गया था, क्योंकि ये खेत है, यहाँ पानी भर गया था। अभी हम लोग आ गए वापस से, देखिए। तो आप लोगों ने देखा बाहर इतनी बारिश है गांव में, अल्लाह रहम करे सब पे, और मतलब ऐसा अच्छी बात है बारिश भी गिर रही है तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बारिश भी हो रही, लेकिन जो लोगों का नुकसान हो रहा है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, सबके घरों में पानी जा रहा है, रात में कोई सोने पर जिसका चांदी में घर है उन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, अल्लाह सबकी हिफाजत करो, मेरी तो यही दुआ है। तो मैं यही बोलूँगी कि नमाज़ पढ़ो, दुआ करो कि अल्लाह ताला किसी का नुकसान ना हो, सबसे अच्छी बात यह है। मैं बताती हूँ आप लोगों को बाहर क्या हाल हो गया है। देखिए मैंने बोली थी आप लोगों को कि कितना पानी, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो पहले बनाया करती थी, यहाँ पे भी कितना पानी है, और ये देखिए बारिश में तो कपड़े नहीं सूखते, आप लोगों को सबको पता है। देखिए बहन ने कहा बाहर डाली, यहाँ पे भी पानी, हमने रात में इतनी बारिश होने की वजह से यहाँ पे बोली स्टैंड के पास भी बहुत ज़्यादा पानी जम गया, जिसके एकदम नीचे नीचे से जो घर होते हैं वो भी कितने लोगों के डूब गया, किसी किसी के घर में पानी चला जाए। पता है एक दो साल पहले जो ऐसा पानी आया तो वैसा रात में हो गया था, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा पता नहीं चला, वो घर में थे और काफ़ी टाइम से लाइट भी नहीं थी, अक्सर रात में लाइट जा रही है बारिश की वजह से, तो वही चीज़ है ही है। और बताओ सब कैसे हो आप लोग, आप लोगों को ब्लॉग, आप लोग मेरा ब्लॉग पसंद करते हो नहीं करते हो ज़रूर कमेंट में बता देना, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मुझे टॉपिक दिया करो कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखते हो। समझ में आया क्या, वही चीज़ें, ठीक है। तो वही है जैसा सिटी में, जैसे मुंबई की बात किया जाए तो मुंबई में काफ़ी, मैं ऐसा सुनी हूँ कि ट्रेन व्रेन सब बंद है और बहुत लोगों का नुकसान हो गया, कि कितने लोगों की जान तक चली गई पानी में, मैं ऐसा तक सुनी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग आपके घर में अच्छे से रहो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, और कुछ ऐसे काम नहीं करो कि आप लोगों का नुकसान हो। तो वही है कि घर से बाहर नहीं निकलो, और हो सकता है अगर आप लोग नमाज़ के लिए मस्जिद में जाते हैं, ज़्यादा बारिश हुई, रिस्क नहीं लो, घर में नमाज़ अदा करो, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ो, यही चीज़ है। देखा बारिश अभी रुक गई है, हम लोग जा रहे हैं मामू के घर, और यहाँ का सब हो गया है, लेकिन पानी बहुत भरा हुआ है, डर लग रहा है पानी में चलने के लिए। के ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।